नमस्कार, मैं हूं गरिमा। आज के सिनेमा शो में हम बात करेंगे युवराज सिंह की बायोपिक की। भूषण कुमार और रवि भागचंद का मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा स्त्री 2 में सरकटे का किरदार निभाने वाले एक्टर के बारे में भी आपको बताएंगे। के मेनन की नई वेब सीरीज मुर्शीद पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। हॉलीवुड रिपोर्टर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक स्टार वॉर्स यूनिवर्स की सीरीज द एकोलाइट का दूसरा सीजन नहीं आएगा। द एकोलाइट की कहानी स्टार वॉर्स से 100 साल पहले घटती है। इस शो को लेस्ली हेडलैंड ने डायरेक्ट किया था। लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया न मिलने की वजह से मेकर्स ने फैसला लिया कि इसका दूसरा सीजन नहीं बनाएंगे। जॉनी डेप की डायरेक्टोरियल फिल्म मोदी 3 डेज ऑन द विंग ऑफ मैडनेस 72वें सैन सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। ये इटालियन आर्टिस्ट एमेडेओ मोदिग्लिआनी की बायोपिक है। रिकार्डो स्क्माचो इस फिल्म में लीड रोल में है। भूषण कुमार और रवि भागचंद का मिलकर क्रिकेटर युवराज सिंह की बायोपिक बनाने वाले हैं। टी सीरीज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से इस फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है। फिल्म का टेंटेटिव टाइटल है 6 Sixes। ये युवराज सिंह की वर्ल्ड कप से लेकर कैंसर तक की जर्नी बताएगी। वैरायटी से बात करते हुए युवराज सिंह ने बताया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि भूषण जी और रवि ने मेरी कहानी करोड़ों फैंस तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है। अनन्या पांडे की वेब सीरीज कॉल मी बे का ट्रेलर आ गया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। ये सीरीज 6 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसे 8 एपिसोड में बनाया गया है। अनन्या के साथ वीर दास, गुरफतेह पीरजादा, वरुण सूद और मिनी माथुर जैसे कलाकार इसमें अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। करीना कपूर खान की फिल्म द बकिंगम मर्डर्स का टीजर आ गया है। ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 13 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एकता कपूर के साथ मिलकर करीना कपूर ने इसे को प्रोड्यूस भी किया है। द बकिंगम मर्डर्स को हंसल मेहरा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 2023 में 67th लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। के मेनन की वेब सीरीज मुर्शीद का ट्रेलर आ गया है। ये सीरीज आपको गैंगस्टर्स की दुनिया में ले जाएगी। इस वेब सीरीज में तनुज वीरवानी, जाकिर हुसैन और राजेश श्रृंगारपुरी जैसे कलाकार नजर आएंगे। इसे 30 अगस्त से Z5 पर देखा जा सकेगा। प्रियंका चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनी मराठी फीचर फिल्म पानी 18 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को 2019 में बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी में नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। प्रियंका चोपड़ा ने राजश्री एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इसे आदिनाथ कोठारे ने डायरेक्ट किया। सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म मैंने प्यार किया को रिलीज के 35 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 23 अगस्त को PVR आईनॉक्स और सिनेपोलिस की कुछ स्क्रीन्स पर फिल्म रिलीज होगी। राजश्री फिल्म्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट और शर्वरी बाग 24 अगस्त से अपनी फिल्म अल्फा के लिए साथ में शूट शुरू करेंगी। ये शेड्यूल कश्मीर में शूट होना है। आलिया और शर्वरी धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस शूट करने वाली है। खबरें हैं कि ऋतिक भी इस दौरान उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। सनी देओल और गोपीचंद मलिनेनी ने हाल ही में अपना अगला प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसे SDGM और जट कहा जा रहा है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। अब रणदीप हुड्डा भी इस फिल्म से जुड़ गए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। फिल्म का शूट सितंबर तक पूरा होने की संभावना है। स्त्री 2 में चंदेरी गांव को श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव सरकटे के आतंक से बचाते हैं। ये एक लंबा चौड़ा पिशाचनुमा व्यक्ति है जो गांव की उन लड़कियों को उठा ले जाता है जो खुले ख्यालातों की है। फिल्म में ये किरदार जम्मू के रहने वाले सुनील कुमार ने निभाया है। सुनील एक प्रोफेशनल रेसलर हैं और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस फोर्स में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। सुनील की हाइट है 7.7 feet जिसकी वजह से उन्हें द ग्रेट खली ऑफ जम्मू भी कहा जाता है। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक ने बताया कि सुनील की हाइट और शारीरिक ढांचे की वजह से फिल्म में उनकी कास्टिंग हुई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स को कुछ समय के लिए ब्रेक देना चाहता है। इन दिनों इस यूनिवर्स की 2 फिल्में अल्फा और वॉर 2 पर काम चल रहा है। इसके बाद शाहरुख खान की पठान 2 बनेगी। इस सबके बीच GYRF धूम फ्रेंचाइज को रिवाइव कर सकती है। इस फ्रेंचाइज की 4th किश्त में रणबीर कपूर विलन की भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वो एनिमल में एंटी हीरो वाला रोल कर चुके हैं, इसलिए वो धूम फ्रेंचाइज के मुफीद रहेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। पिछले दिनों नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हुई। इसमें मलयालम फिल्म आटम ने बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता। ये कहानी एक थिएटर ग्रुप की है जिनकी एक महिला सदस्य अंजलि के साथ मोलेस्टेशन की घटना होती है, जिसके बाद एक ग्रुप मीटिंग होती है कि इस आरोपी को इस ग्रुप से कैसे बाहर निकाला जाए। इस मीटिंग के दौरान वहां कई कहानियां पता चलती हैं, कई राज खुलते हैं। ये फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, पहली फुर्सत में देख डालिए। आज के सिनेमा शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।